अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लेक्चर 26 कर रहे हैं एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। इस लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट ब्रीफली रिकैप द सूडो इनवर्स जो कि हमने लास्ट टाइम किया था यूजिंग एसवीडी। वी विल टॉक अबाउट स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सूडो इनवर्स, स्टेबल रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन एरर, एंड देन वी विल टॉक अबाउट वेटेड लीस्ट स्क्वेयर यूजिंग सूडो इनवर्स, एंड विल डू एन एग्जाम्पल एट द एंड ऑल्सो। अनाउंसमेंट में देर इज नथिंग न्यू, द सेम अनाउंसमेंट। यू हैव प्रेजेंटेशन ऑन December 31st एंड पेपर सबमिशन ऑन January 1st, और फर्स्ट टू आपके जो लेक्चर्स हैं नेक्स्ट वीक के मैं दो रिकॉर्ड करूँगी जिसमें से दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, सो बिफोर वी मूव विद द न्यू कॉन्टेंट वी विल टॉक अबाउट द स्यूडो इनवर्स यूजिंग SVD, क्योंकि आई फील के देयर वाज सम कन्फ्यूजन अबाउट दिस। अच्छा, ये याद रखें कि वेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम तो हम जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आइडियली वी आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम, और उस केस में जो हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में एस्टेब्लिश किया है वो ये फैक्ट एस्टेब्लिश किया है कि वी कैन सॉल्व फॉर एक्स यूजिंग द सूडो इनवर्स, विच मीन्स के हमारे पास अप्रोक्सीमेशन अगर हम एक्स की फाइंड आउट करते हैं तो इफ़ वी हैव दिस फॉर्मूला एक्स ऑफ हैट वुड बी इक्वल टू ए सूडो इनवर्स वाई। अब जो चीज़ मैंने लास्ट टाइम डिस्कस की थी वो ये डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास ओवर डिटरमिनेंट ए है तो इन दैट केस आपके पास सूडो इनवर्स का फॉर्मूला वुड बी इक्वल टू ए ए ट्रांसपोज इनवर्स टाइम ए ट्रांसपोज, एंड इन केस ऑफ अंडर डिटरमिनेंट ए वी हैव ए सूडो इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज ए इनवर्स। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि सूडो इनवर्स का डिफरेंस फार्मूला जो है वो डिफरेंट है, लेकिन सूडो इनवर्स वुड एग्जिस्ट अगर इस केस में हमारे पास सूडो इनवर्स वुड एग्जिस्ट इफ ए ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टेबल या फुल रैंक है, इज फुल रैंक मीनिंग इन्वर्टेबल है। ठीक है, एंड सिमिलरली दिस केस में करेगा एग्जिस्ट अगर ए ट्रांसपोज ए इज फुल रैंक और इन्वर्टेबल। लेकिन व्हाट वी आर क्लेमिंग इज के सूडो इनवर्स के थ्रू सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। व्हाई? बिकॉज सूडो इनवर्स को वी कैन राइट द सूडो इनवर्स इन टर्म्स ऑफ एसवीडी डिकम्पोजिशन आल्सो। सो व्हाट वी आर सेइंग इज के आप ये फॉर्मूला लगाएं या ये फॉर्मूला लगाएं अगर फुल रैंक मेट्रिसेस हैं। अगर फुल रैंक मेट्रिक्स नहीं है तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला वुड एग्जिस्ट फॉर ऑल ए। फुल रैंक है, रैंक डेफिशिएंट है, वट एवर इज द सॉल्यूशन सिचुएशन। सो व्हाट वी आर कंक्लूडिंग फ्रॉम हेयर इज के हमारे पास सूडो इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट के ए का एसवीडी डिकम्पोजिशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो लेट मी एक्चुअली गो टू द स्लाइड्स। और आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि अंडर अगर आपके पास ओवर डिटरमिन सिस्टम है तो उस केस में सूडो इनवर्स इज इक्वल टू दिस केस इफ यू हैव फुल रैंक ए ट्रांसपोज ए। अगर फुल रैंक नहीं है फॉर ऑल केसेस, नो मैटर फुल रैंक है या नहीं है, ये वाला जो है केस वो आप हमेशा एसवीटी के थ्रू सूडो इनवर्स आप हमेशा निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं ये बात हम एसवीडी के बजाय इससे क्यों निकालना चाहेंगे वैसे, बिकॉज दिस इज कंपैरेटिवली इजी। इसमें आपको जो है वो एसवीडी नहीं करने की जरूरत, यू वी सिग्मा हमें पता है कि उसके लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत होती है। वी नीड टू सॉल्व फॉर आइगन वैल्यूज, आइगन वैक्टर्स एंड एवरी थिंग ऑफ ए ट्रांसपोज है। लेकिन वट वी आर सेइंग इज के अगर फुल रैंक है तो फिर वो सब निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से सूडो इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर फुल रैंक नहीं है तो फिर उस केस में यू डोंट हैव अ चॉइस अदर देन फाइंडिंग यू वी सिग्मा एवरीथिंग, बट इन आइदर केस सूडो इनवर्स एग्जिस्ट जरूर करेगा। ओके, एंड इन द केस ऑफ ओवर डिटरमिन सिस्टम तो जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा दैट वुड बी द लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन, विच मीन्स के हमारे पास जो एरर आ रहा है which is actually equal to a x hat minus y, where x hat is the approximation जो हम यहाँ से जो भी सिस्टम जो भी हम ये निकाल रहे हैं सोल्यूशन निकाल रहे हैं सूडो इनवर्स है, दिस इज एक्चुअली x hat। तो x hat a x hat minus y square का
नॉर्म का स्क्वायर जो है उसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, मिनिमाइज कर रहा होगा सूडो इनवर्स के थ्रू। सेकेंड जो चीज हमने देखी थी वो अंडर डिटरमिन केस था। अंडर डिटरमिन के केस में अगेन द सेम थिंग, इफ यू हैव द फुल रैंक ए ए ट्रांसपोज, तो उस केस में आप इसके इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। लेकिन अगर फुल रैंक नहीं है फॉर ऑल द केसेस, आप अगर फुल रैंक नहीं है तो यू नीड टू फाइंड द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन फर्स्ट, और फिर आप सूडो इनवर्स निकालेंगे। इन द केस ऑफ अंडर डिटरमिन केस, इन द केस ऑफ अंडर डिटरमिन सिचुएशन, द सोल्यूशन वी विल द बेस्ट सोल्यूशन विल बी द मिनिमम नॉर्म सोल्यूशन, फॉर बिकॉज वी नो के इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो जिसका मिनिमम नॉर्म होगा दैट वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन, एंड वी विल गेट दैट सोल्यूशन यूजिंग सूडो इनवर्स। सो एट द एंड ऑफ द डे वॉट वी कंक्लूड इज के द सूडो इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट। Why it does it always exist? Because every matrix with rank R has an unique SVD decomposition, ठीक है? और जिसमें से जो है A को हम U sigma V transpose दे सकते हैं। Sigma is an R by I matrix, where R is the rank of the matrix. और अब क्योंकि ये decomposition मौजूद है, तो इसका मतलब है कि pseudo inverse will always be equal to this. और because of this रीजन सूडो इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, एंड वी कैन ऑलवेज यूज सूडो इनवर्स टू सॉल्व फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सूडो इनवर्स। ओके, सो नाउ वी विल डू द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ एसवीडी। फॉर एसवीडी सॉरी स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सूडो इनवर्स। And for doing this stability analysis, we will start with the fact, we will start with the no noise case. जिसका क्या मतलब है कि हमारे पास y is equal to a x naught हम कह देते हैं, where x naught is the unknown. For the situation where there is no noise, तो अब हमारे पास we know के let's call this जो भी हम इसका x compute कर रहे हैं for no noise case as x pseudo inverse, p inverse means pseudo inverse, and that would be equal to because we know के pseudo inverse के through हम तमाम के तमाम solutions ले सकते हैं, so it should be equal to a pseudo inverse y. ए सूडो इनवर्स वाई का क्या मतलब है कि वाई की जगह मैं अगर इसकी वैल्यू लिखती हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू दिस इक्वेशन। अब लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन फर्दर। और जबकि इसमें क्या है, वाई इज द वाई क्लीन, विच मीन्स के इट इट डजंट हैव एनी नॉइस। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। सो आई हैव दिस थिंग ए सूडो इनवर्स ए वाई। We know that A pseudo inverse can be written as U sigma inverse V transpose, and A can be written as sorry, ये मैंने उल्टा लिख दिया। So ये it can be written as V sigma inverse U transpose, and A can be written as U sigma V transpose, and then Y. This is I. These two I, अच्छा अब एक चीज याद रखें कि मैं इनको उछल के यहाँ से यहाँ आई नहीं कर सकती। फर्स्ट आई दिस इज आई, इसके आए होने की वजह से मेरे पास ये साथ साथ आ गए, और ये साथ साथ अब आए हैं तो दे आर ऑल्सो इक्वल टू आई, बिकॉज सिग्मा इनवर्स है और सिग्मा है तो जब हम किसी भी इनवर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो मेट्रिक्स आई आ जाता है। सो वी गेट दिस थिंग वी वी ट्रांसपोज वाई। नाउ लेट मी राइट this in terms of its vectors. V ko jo hai, let's suppose ke let the rank be rank of the matrix is R. So I can write it till V R. And then this is V1 transpose, V2 transpose se lekar V R transpose tak times Y. Ab bahut gaur se dekhiyega ki what we will do. Hum main last two terms ko leti hu. V1 transpose, and let me just take two vectors. Let's suppose के two vectors हैं हमारे पास, row vectors हैं, and then y. Y is a column vector, so it means कि मैं इसको अगर खोल के लिखूँ ना तो this is something like this.
यहाँ से कॉलम है, रोज हैं और ये एक कॉलम वेक्टर है. सो इट मींस के मेरे पास रो इनटू कॉलम है, विच इज व्हाट, विच इज डॉट प्रोडक्ट. सिमिलरली ये रो और फिर ये कॉलम आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है. ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट, व्हाट आर डॉट प्रोडक्ट्स? डॉट प्रोडक्ट्स आर जस्ट नंबर्स, स्केलर्स है ना. तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास बन जाएगा v1 v2 से लेकर vr टाइम्स दिस वेक्टर विच इज अ वेक्टर ऑफ स्केलर्स v2 ट्रांसपोज y, सो एंड सो vr ट्रांसपोज y. ठीक है, अब मैं फर्दर जब इसको सॉल्व करती हूँ, बिकॉज दीज आर स्केलर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ वी वन ट्रांसपोज वाई टाइम्स वी वन प्लस वी टू ट्रांसपोज वाई टाइम्स वी टू एंड प्लस सो एंड सो फोर्थ वी आर ट्रांसपोज टाइम्स वाई इंटू वी आर. एंड दिस कैन बी रिटर्न एज V y times v1 inner product into v1 plus y times v2 inner product v2 y times vr inner product vr. Yeah, in other words, let me go back. I can write this as summation r from 1 to capital R y inner product v r times v r. ठीक है, सो इट मींस के बेसिकली मेरे पास नो नॉइस के केस में जो सूडो जो हमारे पास अननोन वेक्टर है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ v. v इज अ वेक्टर जो कि हमारे पास राइट सिंगुलर वैल्यूज का वेक्टर है. ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, बाय दिस फैक्टर व्हिच इज अ स्केलर. अब लेट्स टॉक अबाउट नॉइजी नॉइजी मेजरमेंट. ठीक है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आर वाई विल बी इक्वल टू ए एक्स नॉट प्लस सम एरर. And we don't actually know the error is some error vector, and definitely it will have the same dimensions as AX naught. Up again, let me just call approximation of X in that case as least square, and this least square approximation can also be found by applying pseudo inverse on Y, which means k I can apply a pseudo inverse on this thing. And this will be equal to a pseudo inverse a x naught plus a pseudo inverse e. And what is this? This is x. एक्चुअली मैंने ये थोड़ा सा गड़बड़ की है, सॉरी, ये x नॉट होना चाहिए. y इज ए एक्स नॉट, मैंने यहाँ पर भी जो है ना इसको ठीक कर लीजिएगा, बाकी सारी डेरिवेशन ठीक है, बस सिर्फ इसको एक्स नॉट होना चाहिए y के बजाय, जहाँ पे भी y मैंने लिखे हुए एक्स नॉट हो जाएंगे. ठीक है, बट इट 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 डजेंट मैटर बिकॉज एक्स नॉट और एक्स नॉट इज अगेन अ वेक्टर. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज दिस थिंग. सो दिस इज एक्चुअली एक्स सूडो इनवर्स which is the approximation of x for non-noisy case plus some another vector. So what does it we find from here, that the least square approximation is actually equal to the solution for non-noisy case plus some error. ठीक है, एंड दिस एरर इज एक्चुअली, और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इज कि आपके पास जो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन है माइनस नॉन नॉइजी केस का जो सोल्यूशन है, या सूडो इनवर्स आपके पास जो नॉन नॉइजी केस में है, दिस इज इक्वल टू ए सूडो इनवर्स टाइम एरर.
सो इन अदर वर्ड्स, हम एरर वेक्टर के ऊपर जब सुडो इनवर्स अप्लाई करते हैं तो उससे हमें डिफरेंस नज़र आ रहा होता है. और इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहूँ, नॉर्म ऑफ दिस करना चाहूँ, विच इज इक्वल टू दिस थिंग, सो आई विल नॉट सॉल्व फॉर दिस, बट वी एक्चुअली, इफ यू रिमेंबर, वी सॉल्व सिमिलर थिंग इन केस ऑफ eigen decomposition. And in this case, in the case of singular value decomposition, we find that this thing is, iska jo least hamare paas value aati hai, that is equal to this thing. Aur jo iski maximum value aati hai, that is actually equal to over sigma r square. So it means के हमने क्या चीज करनी है, देखें अब हमारे पास सिग्मास कहाँ से आ रहे हैं, sigma is equal to sigma 1 से लेकर sigma r तक. So what this is telling us is कि अगर आपके पास sigma r is very very small, very 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 less than 1, then in that case what would happen, आपका एरर जो है वो एक्सप्लोड कर जाएगा, स्टेबल सिस्टम नहीं रहेगा. सो वी वांट सिग्मा आर टू बी वेरी स्मॉल. ऑन द अदर हैंड, अगर सिग्मा वन आपके पास बहुत ज्यादा है तो मिनिमम एरर बहुत कम हो जाएगा, विच इज समथिंग गुड. मगर नाउ द थिंग इज कि एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ई, ई को हम कम करने की बात नहीं कर रहे, बिकॉज ई इज समथिंग विच इज डिफाइंड बाय द सिस्टम. सिस्टम से एरर जो है वो इसके अंदर एड अप हुआ हुआ है. बट हाउ वुड वी एक्चुअली हैव कंट्रोल विद दिस सिग्मा आर, क्योंकि सिग्मा आर भी तो ए से आया हुआ है ना, और ए जो है दैट इज समथिंग विच इज गिवन टू अस बाय इनपुट वेक्टर, जो भी हमारे पास ऑपरेशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. सो we will look into it, but for the time being what we have just seen is ke hamare paas jo error is, this is bounded by these two numbers, and the average reconstruction error is dependent on all the singular values. So in order to solve for in order to make sure that the error does not rise to a very large value, or in other words how to bound this thing below something, or how to make sure that this error is not exploding, we do something, and we will look into it in the next slide, which is about the stable reconstruction using SVD using pseudo inverse. So now we will talk about the method to make sure that this error that we have here, it doesn't actually go beyond limits. For that we will start with an example. Or the example jo hai usme hum kya kar rahe hain ki we are just assuming ke, let's suppose ke jo hamare paas लास्ट सिंगुलर वैल्यू है, जो स्मॉलर सिंगुलर वैल्यू है, दिस इज एक्चुअली 10 टू द पावर माइनस 10, विच मीन्स कि दिस इज इक्वल टू दिस वन, एंड विच मीन, सो यू कैन इमेजिन इफ वी आर डिवाइडिंग बाय स्क्वायर ऑफ दिस, इट वुड बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एरर. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, व्हाट वी एक्चुअली डू इज we use truncated SVD. In the case of truncated SVD, we, instead of using the singular values sigma 1 to sigma r, or this matrix of singular values sigma from sigma 1 to sigma r, we use another matrix which has order r prime by r prime, such that r prime is less than r. यानी हम क्या कर रहे हैं, हम जो बहुत से स्मॉल सिंगुलर वैल्यू है उसको ड्रॉप कर रहे हैं, और उसके अलावा भी जो सिंगुलर वैल्यूज हैं, स्मॉल वैल्यूज हैं, विच आर क्लोज टू दिस वन, मतलब बहुत छोटी वैल्यूज हैं, उनको हम ड्रॉप कर देते हैं. और जब हम उनको ड्रॉप कर देते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि अब हमारे पास जो
सूडो इनवर्स बनेगा इट विल बी बिकॉज ऑफ दिस सिंगुलर वैल्यूज एंड बिकॉज ऑफ दीज सिंगुलर वैल्यूज हमारे पास जो है वो सिग्मा स्क्वायर जो है सिग्मा आर स्क्वायर जो आखिरी जो वैल्यू होगी दैट वोंट बी दैट स्मॉल वन ओवर सिग्मा आर स्क्वायर जो है वो इतना सिग्मा आर प्राइम स्क्वायर जो है वो इतना स्मॉल नहीं होगा और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इज के एरर जो है वो एक्सप्लोड नहीं कर जाएगा ठीक है तो नाउ बट बिकॉज ऑफ द रीजन के हमारे पास हमने ये कहा है कि रैंक तो आर था और हमने इसका मतलब है कि लोअर रैंक मैट्रिक्स ले लिया सो देयर वुड बी सम एरर दैट शुड बी इंट्रोड्यूस इन सच अ केस सो नाउ नेक्स्ट टाइम वी वुड लाइक टू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर हाउ गुड इज दिस रिकंस्ट्रक्शन यानी ट्रंकेटेड एफसीडी अगर आप कर लेते हैं तो पहली बात ये कि ट्रंकेटेड एफसीडी में हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा होता है और दूसरी चीज ये कि जब उस फॉर्मूले के थ्रू हम ट्रंकेशन कर देते हैं तो फिर हमारे पास एरर जो है उस पर क्या फर्क पड़ रहा होता है जो फॉर्मूला है दैट इज एक्चुअली वेरी इजी बिकॉज जिस तरह से अब हम क्या कह रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द केस जब हमारे पास एरर भी मौजूद है इन द मेजरमेंट ये हमारे पास है केस वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग के ए जो है वो यू सिग्मा वी ट्रांसपोज के इक्वल है या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं सिग्मा आर यू आर वी आर ट्रांसपोज और इसी तरह से सूडो इनवर्स का हमने फॉर्मूला भी देखा है पीछे कि अगर हमारे पास रैंक आर है मैट्रिक्स तो सूडो इनवर्स वुड बी इक्वल टू वी सिग्मा इनवर्स यू ट्रांसपोज और दिस विल बी इक्वल टू आर फ्रॉम वन टू आर वन ओवर सिग्मा आर वी आर यू आर ट्रांसपोज ठीक है ये कोई नई चीज नहीं है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सो एंड देन वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि हमारे पास जो रिकंस्ट्रक्शन एरर है अगर हम उसको लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉरी नॉट रिकंस्ट्रक्शन लीस स्क्वायर एस्टीमेट जो है अगर हम इसको लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी तो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू सूडो इनवर्स ऑफ वाई एंड दिस सूडो इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू U, not U, B, sigma inverse, U transpose times Y, ठीक है और अगेन हम ये चीज ऑलरेडी देख चुके हैं अगर अभी जो हमने एनालिसिस किया था वेयर वॉज इट देखें when we talked about this this thing ठीक है this was something similar okay let me go back here ठीक है ये हमारे पास क्या था अब आप देखें जो मैंने अभी आपको इक्वेशन दिखाई है it is v v transpose y अब हमारे पास अगर देखा जाए v u transpose y है बीच में सिग्मा है जो कि स्केलिंग के लिए सिर्फ यूज हो रहा है so what would happen जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास बिल्कुल उसी तरह से एक ये वी आ जाता है सिग्मा इनवर्स यहाँ पर ही आता है यू ट्रांसपोज और वाई से मिलके मेरे पास इनर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे ठीक है यू आर ट्रांसपोज वाई एंड देन ये इनर प्रोडक्ट जो है वो सिग्मा स्क्वायर के जो भी अगेन रिमेम्बर दिस थिंग कि अगर मेरे पास जो है वो मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स और इसको मैं किसी वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो व्हाट विल हैपन इट विल स्केल एवरी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर बाय दिस अमाउंट डायगोनल में जो है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिग्मा इनवर्स है तो सिग्मा से डिवाइड हो जाएगी हर टर्म जो है दिस विल बी डिवाइडेड बाय सिग्मा वन दिस विल बी डिवाइडेड बाय सिग्मा टू तो इन अदर वर्ड्स हमारे पास बिल्कुल इसी तरह की प्रोसेसिंग होगी सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा कि आपके पास सिग्मा से डिवाइड हो जाएगा या इसको अगर मैं समेशन की फॉर्म में लिखूं तो व्हाट वुड हैपन इट विल बी इक्वल टू आर फ्रॉम वन टू आर
से स्केलिंग हो जाएगी, वन ओवर सिग्मा आर टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विथ यू आर टाइम्स बी आर। ओके, और अगर आपको ये चीज थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, तो पीछे वाला जो हमने अभी पूरी डेरिवेशन की थी इस वाली टर्म की, इस टर्म की, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सो इन एनी केस, सो व्हाट विल हैपन कि मेरे पास जो फॉर्मूला आ रहा है लीस स्क्वायर एस्टिमेट का, दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। और अगर मैं ये कहती हूँ कि आई वॉन्ट टू ड्रॉ फ्रॉम आर टू सम आर प्राइम, तो उसमें सिर्फ क्या डिफरेंस हो जाएगा? अब मैं क्या कह रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ ए वी कैन लेट अस राइट दैट ए हैज रैंक आर, और हमने जो है वो ए प्राइम डिफाइन कर दिया है दैट हैज रैंक आर प्राइम विच इज लेस देन आर। ओके, सो व्हाट विल हैपन, अब देखिए दिस इज समथिंग वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आपके पास ए प्राइम जो है उसमें समेशन कहाँ से जा रही होगी, वन से लेकर आर प्राइम तक जा रही होगी, एंड अगर हम इसका सूडो इन्वर्स ले लेते हैं ए प्राइम का, तो उसमें भी समेशन वन से लेकर आर प्राइम तक जा रही होगी। इफेक्टिवली फॉर्मूला जो है वो सेम ही रहेगा दोनों का, ठीक है। और अगर मैं इसकी टर्म में वाई कर देती हूँ डिफाइन, सॉरी एक्स कर देती हूँ डिफाइन, जो कि एक्स का हमारे पास अगर मैं कह देती हूँ कि ट्रंकेटेड एक्स है विच इज ड्यू टू ट्रंकेटेड ए, सो इट विल बी ए प्राइम सूडो इनवर्स वाई, एंड इट विल बी द सेम फॉर्मूला जो मैंने अभी एक्स हैट के लिए बनाया था लीस स्क्वायर के केस में। सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस हो जाएगा, वन ओवर सिग्मा आर ये जो इसकी लिमिट होगी दिस विल बी गोइंग फ्रॉम वन टू आर प्राइम, ठीक है। अब नेक्स्ट सोच के, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि वी वांट टू नो कि इस सारे के सारे फॉर्मुलेशन का, जिसमें हम कुछ टर्म्स को ड्रॉप कर रहे हैं आर से हम आर प्राइम पे लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है कि रैंक हम कम कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट वांट एरर टू बी वेरी लार्ज, तो उसका इफेक्ट जो है वो ओवरऑल कितना पड़ा होगा, उससे एरर कितना ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो उसके लिए व्हाट वी वुड डू इज वी नो कि हमारे पास वी स्टार्टेड विद नॉइजलेस केस, ठीक है, और नॉइसलेस केस जो था उसमें हमने एक्स सूडो इनवर्स किया था डिफाइन विच वॉज इक्वल टू ए सूडो इनवर्स ए नॉट ए एक्स नॉट, कि ये हमने पीछे डिफाइन किया है। अब हम क्या कह रहे हैं, अच्छा नॉइजी केस में क्या था, नॉइजी केस में हमने एक्स लीस स्क्वायर किया था जिसको हमने हैट के साथ डिफाइन किया था, एंड दिस वाज इक्वल टू दिस एक्स सूडो इनवर्स प्लस दिस थिंग। अब हम क्या कह रहे हैं, नॉइजी प्लस ट्रंकेटेड, और इसमें हमने क्या डिफाइन किया, एस ट्रंकेट हमने कहा है, और इसको हमने अगेन, ये दिस इज अप्रोक्सीमेशन, एंड दिस वी नो इज इक्वल टू ट्रंकेटेड ए सूडो इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, ये तो हमने अभी देख लिया, ठीक है। सो एरर, व्हाट वुड बी द एरर, देखिए एरर वुड बी, पहले हमने क्या किया था, एरर वाज एक्चुअली एक्स एल एस हैट जो हमने निकाला था, तो वी एक्चुअली फाउंड द एरर बिटवीन दिस एंड सूडो इनवर्स जो हमारे पास था विच वॉज नॉइसलेस केस। अब हम इसका एरर निकालेंगे अगेन नॉइसलेस केस के साथ, वी वॉन्ट टू फाइंड के जो पहले वाला एरर था जो अब एरर आ रहा है में क्या डिफरेंस आया हुआ है। सो इट मीन्स के हम क्या फाइंड आउट, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, वी वॉन्ट टू एक्चुअली एक्स एंड ट्रंकेट माइनस एक्स सूडो इनवर्स, ठीक है।
अब मैं इनके फॉर्मूले लगा देती हूँ. एक्स एंड ट्रंकेट क्या है, ए सूडो ए प्राइम वाई, और इसका क्या फॉर्मूला है, ए प्राइम ए सूडो इनवर्स ए एक्स नॉट. अब वाई की जगह इसकी वैल्यू लगा देती हूँ, व्हाट वाज वाई, नॉइजी वाई था ना, तो वाई वाज इक्वल टू ए एक्स नॉट प्लस ई. ठीक है, तो व्हाट विल दिस बिकम, दिस विल बिकम ए ट्रंकेटेड ए सूडो इनवर्स टाइम्स ए एक्स नॉट प्लस ट्रंकेटेड ए सूडो इनवर्स टाइम ई माइनस ए सुडो इनवर्स ए एक्स नॉट. ओके, नाउ आई एम, अब देखें मेरे पास बिकॉज ऑफ द रीजन के ट्रंकेशन आई हुई है, आई हैव एक्स्ट्रा टर्म्स ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे तो सिंपली मेरे पास ए ट्रंकेटेड ए सुडो इनवर्स ई था, और जो है वो सुडो इनवर्स वाला फॉर्मूला था, यहाँ ये सुडो इनवर्स वाला फॉर्मूला है, लेकिन ये कि आई हैव समथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो एंड वी नीड टू फिगर आउट कि उस एक्स्ट्रा की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है. ओके, लेट मी रीअरेंज दिस. सो रीअरेंज करके दिस विल बी एक्स ट्रंकेटेड सूडो इनवर्स माइनस ए सूडो इनवर्स टाइम्स ए एक्स नॉट. मैंने क्या किया, इन दोनों को किया प्लस ए सूडो इन ए ट्रंकेटेड सूडो इनवर्स ई. जी अब लेट मी एक्सरसाइज. जी नाउ आई नीड टू फाइंड दिस एंड दिस, एक्चुअली फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों कर देते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म. ये इसको लेट मी राइट इट एज वन एंड दिस इज टू. नाउ लेट मी सॉल्व फॉर वन प्लस फर्स्ट. अब आप देखें वन में मेरे पास क्या है, ट्रंकेटेड ए सूडो इनवर्स माइनस ए सूडो इनवर्स. ट्रंकेटेड ए सूडो इनवर्स क्या है, वन से आर प्राइम तक है, देर वॉज समथिंग. अगर आपको याद हो ट्रंकेटेड ए सूडो इनवर्स और ए सूडो इनवर्स में सेम टर्म्स थे, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किया था, डिफरेंस वॉज जो कि हमारे पास लिमिट्स थी. ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ से हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रंकेटेड ए सूडो इनवर्स की लिमिट है आर फ्रॉम वन से आर प्राइम तक है, और एक्चुअल सूडो इनवर्स जो था, फुल सूडो इनवर्स जो था, उसकी जो लिमिट्स हैं दिस इज फ्रॉम वन टू आर. तो मैं यही लिमिट्स जो है यहाँ पर लिखने लगी हूँ. तो ये दिस इज इसकी जो है वो आर प्राइम तक है, और जो सूडो इनवर्स है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, वन से आर प्राइम तक प्लस आर प्राइम प्लस वन आर से लेकर वहीं तक से आर तक. सो इट मीन्स कि अब मेरे पास ये तो चीज़ कॉमन है ना, ये कैंसल आउट हो जाएगी एंड द रिमेनिंग जो मेरे पास चीज़ बच जाएगी, लेट मी रिमूव दिस एंड राइट द रिमेनिंग. रिमेनिंग मेरे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ये लास्ट वाली टर्म बच जाएगी, या इन अदर वर्ड्स मैं जब इसको माइनस कर रही हूँ तो आई एम जस्ट गेटिंग जो एरर टर्म मेरे पास आ रही है, दिस इज माइनस और लेट लेट मी राइट एवरीथिंग इन साइड समेशन. दिस इज इक्वल टू समेशन आर फ्रॉम आर प्राइम प्लस वन टू कैपिटल आर ऑफ वन ओवर सिग्मा आर एंड देन वी आर यू आर ट्रांसपोज. ठीक है, अब ये तो मैंने पार्शली फर्स्ट वाला किया है ना,
इफ आई वॉन्ट टू नाउ हैव द कंप्लीट ए, तो कंप्लीट ए मेरे पास कैसे आएगा? ए ट्रंकेटेड सूडो इनवर्स प्लस ए सूडो इनवर्स टाइम्स एक्स नॉट, ए एक्स नॉट जी। और अब आप देखें, मेरे पास दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट? समेशन आर फ्रॉम आर प्राइम प्लस वन टू कैपिटल आर, माइनस में बाहर निकाल देती हूँ, वन ओवर सिग्मा आर वी आर यू आर ट्रांसपोज ए एक्स नॉट जी। अब नाउ व्हाट डू यू अगेन, देखें ए एक्स नॉट जो है, अगर हम ए इज अ कॉलम, ए इज अ मैट्रिक्स, एक्स नॉट इज अ वेक्टर, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो वी वुड बी गेटिंग व्हाट वुड बी दिस थिंग, दिस वुड बी एक्चुअली अ कॉलम वेक्टर। मैट्रिक्स को अगर आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट अ वेक्टर, ये कॉलम वेक्टर आ जाएगा मेरे पास। और अगेन दिस इज द सेम काइंड ऑफ डेरिवेशन जो कि हम पहले करते रहे, ये कॉलम वेक्टर जो है वो जब इस टाइप से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यू आर ट्रांसपोज से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हर कॉलम जो है पूरा का पूरा जो वेक्टर है वो यू आर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है? सो इट मींस के वी विल हैव, अगर हम इसको रीअरेंज करें और वही पूरा पीछे वाली जो हमारी सारी की सारी डेरिवेशंस हैं उसी तरह से हम इसको डेरिवेशन लिखें, तो इट वुड बी इक्वल टू वन ओवर सिग्मा आर टाइम्स ए एक्स नॉट इनटू यू आर टाइम्स वी आर, ठीक है? अब वी अगेन वी सॉ दैट ए वॉज इक्वल टू समेशन जे फ्रॉम वन टू आर सिग्मा जे एक्स वी जे यू जे जी। इफ यू आर नॉट श्योर लेट्स लुक इन टू इट फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड्स, ठीक है? ए हमारे पास क्या था, ये आ रहा है, ओके। और इसको अगर मैं इसके साथ अगर एक्स नॉट मल्टीप्लाई कर देती हूँ, लेट मी जस्ट सी कि पहले कहाँ हमने लिखा हुआ है इसको, हमने कहीं पीछे किया तो जरूर है, लेट अस सी। जी हमारे पास, जी मेरा ख्याल है हमने एक्स नॉट पहले नहीं निकाला, लेकिन वी कैन एक्चुअली अगेन डू द सेम थिंग, इतनी दफा ये हम इसको रिपीट कर रहे हैं प्रोसेसिंग को। ए एक्स नॉट हम किस तरह लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एस वी डी यू सिग्मा वी ट्रांसपोज एन एक्स नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू यू वन यू टू से लेकर यू आर टाइम्स सिग्मा वन सिग्मा आर वी वन ट्रांसपोज वी टू ट्रांसपोज से लेकर वी आर ट्रांसपोज टाइम्स एक्स नॉट, ठीक है? अब हम ये देख चुके हैं कि एक्स नॉट जो है मैं अब इसी में एक्चुअली कर रही हूँ ऐड, ये ट्रांसपोज के साथ एक्स नॉट ऐड होता चला जाएगा, सो दिस विल बी अ कॉलम वेक्टर।
सिग्मा की वजह से क्या आ जाएगा, देयर विल बी स्किल्ड बाय सिग्मा एंड सो इट इट मीन्स कि मेरे पास क्या आ जाएगा, यू वन यू टू से लेकर यू आर टाइम्स सिग्मा वन एक्स नॉट वी वन इनर प्रोडक्ट, सिग्मा टू का एक्स नॉट वी टू के साथ इनर प्रोडक्ट एंड सिग्मा आर का एक्स नॉट वी आर के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। और जब हम इसको समेशन की फॉर्म में, अगेन दिस इज अ कॉलम वेक्टर, दिस वन इज अ कॉलम वेक्टर, दीज आर एक्चुअली द कॉलम्स, सो हर एलिमेंट जो है इसका वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और इन अदर वर्ड्स वी विल बी गेटिंग सिग्मा वन एक्स नॉट वी वन यू वन प्लस सो एंड सो, और इन अदर वर्ड्स हमारे पास यही वाली टर्म आ जाएगी जो मैंने यहाँ लिखी हुई है कि सिग्मा जे एक्स नॉट वी जे एंड यू जे। सो इट मीन्स कि मैं अगर ये इस टर्म में करती हूँ, सो वन विल बिकम, इसको अगर मैं इसको ऊपर में अगर पुट कर देती हूँ, देन व्हाट विल हैपन, लेट मी गो बैक जहाँ पे मैंने इनको लिखा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन कि मेरे पास जो है वो सिंपली ये ए एक्स नॉट की जगह मैंने इसका समेशन लगा दिया, ओके। और ये यू आर जो है ये अपनी जगह है, एक पार वाला समेशन मौजूद है, और वी आर से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब हम इसको फर्दर रीअरेंज करते हैं, सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, वी हैव दिस टर्म हियर जे फ्रॉम वन टू आर सिग्मा जे एक्स नॉट वी जे टाइम्स यू जे इसका इनर प्रोडक्ट विद यू आर ठीक है, और सबके बाहर हमारे पास वी आर मौजूद है। अब अगर हम इनर प्रोडक्ट की जो है, और यहाँ पर हमारे पास एक और सिग्मा मौजूद है विद -1 ओवर सिग्मा आर के साथ, तो अगर हम इसके इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को लगाएं, रीअरेंज करें, ये बाहर वाला जो सिग्मा है इसको तो हम इसी तरह से रहने देते हैं, बट वी कैन टेक दिस, एक हमारे पास ये सिग्मा आ जाता है जो बाहर है, एक इसको हम बाहर ले जा सकते हैं, एंड वी कैन टेक दिस इनर प्रोडक्ट इनसाइड, सिग्मा जे हम इसी तरह रहने दें, ये दिस इज स्केलर, ठीक है। सो दिस आई कैन राइट इट लाइक दिस एंड आई विल हैव सेकेंड इनर प्रोडक्ट लाइक दिस, ठीक है। अगेन दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ द इनर प्रोडक्ट जो कि मैंने लगाई हुई है, देखें दिस इज एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली अ स्केलर, ठीक है। अगर मैं इसको अल्फा कह देती हूँ, तो आई हैव सिग्मा जे अल्फा यू जे एंड यू आर। अब आपको पता है इस इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो हमने पहले की थी वो, लेट मी राइट इट हियर, कि अगर मेरे पास अल्फा है और एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट है, आई कैन राइट इट एज एल्फा टाइम्स एक्स का इनर प्रोडक्ट विद वाई। तो इस एल्फा को जो है मैं बाहर लिख सकती हूँ, तो ये मैंने बेसिकली इस एल्फा को ही बाहर लिखा हुआ, और बाकी जो है वो दो वेक्टर्स कौन कौन से थे, यू जे एंड यू आर, उनको मैंने इनर प्रोडक्ट यहाँ पे ले लिया, और बाकी चीजें उसी तरह से मौजूद है। एंड नाउ वी नो दैट यू जे, हमें पता है कि यू जो है वो सारे ऑर्थोनॉर्मल है, विच मीन्स कि दिस विल बी वन ओनली व्हेन जे इज इक्वल टू आर, फॉर ऑल द अदर वैल्यू इट विल बी इक्वल टू जीरो। सो इन अदर वर्ड्स अगला स्टेप क्या है, मैं इसको सिंपली वन कर सकती हूँ एंड जे को आर के इक्वल ले सकती हूँ, या मेरे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल इट विल बिकम, यानी इस जे को जब मैंने आर कर दिया, तो दिस इज एक्चुअली सिग्मा आर, ये सिग्मा आर इस सिग्मा आर से कैंसिल हो जाएगा, और ये सारी समेशन खत्म हो जाएगी, बिकॉज सिर्फ जे और इक्वल टू आर के लिए ये चीज वन है ना, बाकी सबके लिए ये जीरो है। सो दिस विल कम आउट टू बी एक्स वी आर, जे की जगह अगेन आर आ जाएगा, एंड वी आर जो बाहर वाला है वो इसी तरह से रहेगा, ओके।
इन अदर वर्ड्स, जो मेरे पास टर्म वन थी विच वॉज दिस थिंग, दिस विल कम आउट टू बी दिस समेशन. ठीक है, अब अगला मैंने क्या करना है, टर्म टू को लिखना है. टर्म टू इज वेरी इजी. अगर आपको याद हो कि हमने ए हमने जो है वो यहाँ पर पहले से जो है इसको सॉल्व किया हुआ है. अगर आपके पास एक सूडो इनवर्स ई है, या ए सूडो इनवर्स के साथ आपने किसी को भी अगर सॉल्व किया है, फॉर एग्जांपल ई हो, एक्स नॉट हो, वट एवर, हम किसी के भी साथ अगर ए सूडो इनवर्स लगा के सॉल्व करते हैं, तो वी हैव सीन के वट वी गेट इज ए सूडो इनवर्स का ये फॉर्मूला है, और उसके साथ अगर आप किसी भी वेक्टर को लगा देते हैं तो व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. तो अगर ए सूडो ए ट्रंकेटेड ए सूडो इनवर्स ई है, तो मेरे पास इस वाई की जगह, ये जो यहाँ पर वाई आया हुआ है, इसकी जगह सिर्फ ई आ जाना चाहिए. एंड दैट इज वट वी कैन सी फ्रॉम हेयर, के ट्रंकेटेड ए सूडो इनवर्स ई जो है समेशन वन से लेकर आर प्राइम तक होगा, बिकॉज दिस इज अ समेशन ऑफ सूडो इनवर्स, ट्रंकेटेड सूडो इनवर्स. और उसके अलावा जो है वो वाई की जगह ई आ गया है, यू आर वी आर. अब मैंने वन और टू अगर दोनों को इसमें पुट किया है, एक्चुअल जो इक्वेशन थी मेरे पास, विच वॉज द एरर इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है विच वॉज गिविंग द डिफरेंस बिटवीन द टू, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ जाता है. एंड फ्रॉम हेयर वी कैन सी के दिस टर्म इज बिकॉज ऑफ द नॉइज, सो दिस इज द नॉइज एरर, एंड दिस टर्म इज बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज इसकी लेकिन लिमिटेशन कहाँ से, लिमिट कहाँ से जा रही है, आर प्राइम प्लस वन से लेकर आर तक जा रही है. सो इन अदर वर्ड वट वी आर सेइंग, वी आर एक्चुअली कंक्लूडिंग फ्रॉम हेयर इज, कि अगर हमने ट्रंकेट किया है तो इन एडिशन टू नॉइज एरर वी हैव अनदर एरर एडेड विच इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन एरर, विच इज बिकॉज ऑफ द ट्रंकेशन. हाउ एवर ये एरर जो है, दिस इज एक्चुअली मच बेटर, और इस एरर का जो इफेक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि हम वॉट वी कैन से इज कि दिस एरर इज एक्चुअली समथिंग विच इज बियरेबल एज कंपेयर टू कि हम सिस्टम को अनस्टेबल कर दें. एंड सो इट मीन्स के वी वुड लाइक टू हैव, सॉरी ये नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, बट वट वी कैन वी आर सेइंग इज के वी कैन हैव दिस एरर इक्वल टू, हम इस एरर को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी केस एंड वी डू ट्रंकेट इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सिग्मा आर स्क्वेयर इनवर्स वाली जो टर्म थी उसको हम अवॉइड करते हैं, या मैक्सिमम एरर को अवॉइड. ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ दिस कोर्स, और लीनियर अलजेब्रा पार्ट आप कह लें, विच इज द वेटेड लीस्ट स्क्वेयर. जी, वेटेड लीस्ट स्क्वेयर हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं कि वी एक्चुअली से कि हमारे पास कुछ मेजरमेंट जो है विच दे आर मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू द अदर मेजरमेंट, सो हम उसके ऊपर वेट अप्लाई कर देते हैं. लेकिन नाउ वी विल जस्ट सी कि अगर वेटेड लीस्ट स्क्वायर में हम सूडो इनवर्स के थ्रू करना चाहते हैं तो हाउ डू वी डू इट. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केस व्हेन वी हैव लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द रीजन के मिनिमम मीन स्क्वायर सॉल्यूशन में जो है वो दिस इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम, उसके अंदर जो है वो हम बस मिनिमम नॉर्म वाला जो है वो वेक्टर उसको ले लेते हैं एज अ फाइनल सोल्यूशन, एंड वी नो दैट सूडो इनवर्स हमें वही दे रहा होता है. बट इन द केस ऑफ लीस्ट स्क्वेयर सोल्यूशन बट वी वॉन्ट टू डू इज एरर हमारे पास जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू वाई माइनस ए एक्स हैड का नॉर्म स्क्वेयर होता है. तो इन द केस ऑफ वेटेड लीस्ट स्क्वेयर इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग दिस हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली मिनिमाइज वेट इनटू एरर फैक्टर. ठीक है, एंड वी विल जस्ट बी टॉकिंग अबाउट वेरी सिंपल एग्जांपल, जिस केस में हमारे पास डिस्क्रीट टाइम एरर मौजूद है, यानी एक वेक्टर है कंटिन्यूअस नहीं है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और जो है जो सो इसका मतलब है कि डब्ल्यू जो है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड नॉर्मली वी टेक इट टू बी अ मैट्रिक्स विच इज अ
डायगनल मैट्रिक्स, बट इट कैन बी नॉन डायगनल ऑल्सो, मगर हम खैर उसकी बात नहीं करेंगे. अगेन दैट इज समथिंग विच वुड बी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन नाउ. मगर यहाँ पर हम एरर को हम कह देते हैं कि ये भी हमारे पास एम डायमेंशनल वैक्टर है. और सो वट विल एक्चुअली हैपन कि डब्ल्यू ई जो है इसका हम एरर इसकी वजह से हम एरर फाइंड आउट कर रहे होंगे, या इन अदर वर्ड्स हम जो है वो अभी फिलहाल वी आर जस्ट डायगनल मेट्रिसेस डायगनल वेक्टर जो है डायगनल एलिमेंट्स जो है उनके थ्रू हम एरर को कंप्यूट कर रहे होंगे. एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन के जो सूडो इनवर्स का फॉर्मूला होगा दैट विल आल्सो चेंज. सो वी विल बी मिनिमाइजिंग दिस वेक्टर व्हिच मींस के वी वांट टू मिनिमाइज. अब हमारे पास पहले अगर वाई माइनस ए एक्स था तो अब वी विल मिनिमाइज W times y minus W times ax का norm square. Okay, and the estimate of x hat जो है that would be actually equal to W a pseudo inverse time W y. ठीक है, compare it with अगर आप non weighted की बात करते हैं तो it was simply equal to a pseudo inverse y. तो हमारे पास जो है वो y के साथ y भी वेट अप हो गया है विद बाय w, a भी वेट अप हो गया बाय w. एंड सो लेट्स जस्ट डू एन एग्जांपल. ठीक है, और एग्जांपल में जो है वी आर अस्यूमिंग के हमारे पास वी आर टेकिंग एक्चुअली दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आ रहा है? a सूडो इनवर्स इज इक्वल टू a ट्रांसपोज ए इनवर्स टाइम ए ट्रांसपोज. तो अब ए के बजाय क्या आ जाएगा? डब्ल्यू ए ट्रांसपोज टाइम डब्ल्यू ए इनवर्स टाइम डब्ल्यू ए ट्रांसपोज. सो दिस विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू ए इनवर्स टाइम ए ट्रांसपोज डब्ल्यू ट्रांसपोज. So x hat would be equal to times this whole term time w into y, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है. So let's just do an example, very simple example. इस केस में we are given के हमारे पास जो है वो एक patient की हम three measurement ले रहे हैं, pulse की measurement ले रहे हैं. And all three of them are equally important. तो इसलिए हमारे पास जो matrix A है ये already given है 1 1 1 के हिसाब से. And तीन जो measurements हैं वो जो कि y vector जिनसे बनता है that is 70, 80 and 120. So अगर हम least square solution निकालना चाहते हैं तो that would be equal to x hat which is equal to A pseudo inverse y. और ये एक सूडो इनवर्स के लिए हम क्या लगा रहे हैं फॉर्मूला विदाउट अभी वेट हम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, वी आर अस्यूमिंग कि एवरी ऑल द वेक्टर्स आर इक्वली लाइकली और उसमें सिंपली हमने फॉर्मूला लगाया है और उसके बाद उसको 90 आ गया. नाउ लेट्स सपोज कि व्हाट वी अस्यूम इज के एक्चुअली सम ऑफ द मेजरमेंट्स आर बेटर देन द अदर और व्हाट वी आर सेइंग इज कि थर्ड मेजरमेंट जो है इसमें थोड़ा सा एरर था तो हम इसको कम वेट देना चाह रहे हैं. तो इसके लिए हमने क्या किया, एक वेट वेक्टर वेट मैट्रिक्स जो है वो डिजाइन किया है जिसमें हमने फर्स्ट टू मेजरमेंट को तो 1 1 वेट दिया हुआ है, थर्ड को जो है हाफ कर दिया है. और उसके बाद अब हमारे पास एक्स हैट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. सो फॉर दिस व्हाट वी नीड डब्ल्यू ट्रांसपोर्ट डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोज डब्ल्यू को ए ट्रांसपोज और ए के साथ हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है. वहां से हमारे पास ये चीज आ गई और उसके बाद इसका इन्वर्स लेना है. आप देखें सिंपली दिस इज जस्ट अ नंबर. तो नंबर का इन्वर्स लेने का मतलब है कि रेसिप्रोकेट कर दिया हमने और उसके बाद जो है वो फिर हमने ये कंप्यूट किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड नाउ द जो एक्स हैट हमारे पास आ रहा है विच इज एक्चुअली द मेजरमेंट एक्चुअल में जो होनी चाहिए थी वेटेड लीस स्क्वायर के साथ दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 80. और यहाँ से जो है वो एरर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल बी हैविंग ए
एंड डब्ल्यू ए एक्स हैट जी लेट्स सी। देखिए अब देखें यहाँ आके है ना तो एरर कैसे निकलेगा हमारे पास, एरर वुड बी इक्वल टू दिस। तो अगर आपको ये कहा जाए कि एरर कंप्यूट करने वेट के केस में तो सिर्फ आपने एक्स हैट निकाल के नहीं छोड़ देना है, डब्ल्यू ए एक्स हैट निकालना है और डब्ल्यू वाई में से माइनस करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके सो दिस एक्चुअली एंड्स एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स पार्ट्स ऑफ द कोर्स एंड वी फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड वी विल टॉक अबाउट प्रॉबेबिलिटी पार्ट ऑफ द कोर्स। और आज के कोर्स में हमने जो है सूडो इनवर्स को रिविजिट किया, हाउ द सूडो इनवर्स इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एस वी डी, और हमने ये देखा कि सूडो इनवर्स इज एक्चुअली समथिंग विच कम्प्रीहेंसिव विच गिव्स अस द सोल्यूशन फॉर एनी काइंड ऑफ सिस्टम। लेकिन ये कि वो क्यों कम्प्रीहेंसिव हो जाता है, क्योंकि एस वी डी की टर्म्स में लिखा जा सकता है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सूडो इनवर्स एंड वी सॉ के स्टेबिलिटी एनालिसिस के केस में देयर इज अ लिमिट, द एरर जो है दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, और हम उस एरर को कम करना चाहते हैं बिकॉज सम टाइम नॉट द लार्जेस्ट सॉरी द स्मॉलेस्ट सिंगुलर वैल्यू सिग्मा आर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है एरर, और हम उसको कम करना चाहते हैं। तो उसका सोल्यूशन जो हमारे पास है वो यही होता है कि वी ट्रंकेट द मैट्रिक्स सिग्मा, और ट्रंकेट करने की वजह से हमारे पास वी एक्चुअली गेट सम एरर दैट इज अ ट्रंकेशन एरर इन एडिशन टू द नॉइज एरर जो कि मौजूद होता है। बट सिंस वी नो दैट वी वॉन्ट द सिस्टम टू बी स्टेबल, तो ट्रंकेशन एरर को हम अफोर्ड कर सकते हैं। और लास्ट में वी टॉक्ड अबाउट द वेटेड लीस्ट स्क्वायर जिसके थ्रू हम डिफरेंट मेजरमेंट्स को डिफरेंट वेट्स असाइन कर सकते हैं। ओके सो वी विल स्टॉप हेयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आखिरी जो लेक्चर आपका या नेक्स्ट वीक का जो सेकेंड लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट प्रोबेबिलिटी।